मत मम्मी इतना कूटेगी ना। लास्ट में मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड सेफ एट योर प्लेस। सो आज का वीडियो एक ग्लो अप वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी एक टू इंग्रेडिएंट फेस मास्क। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपके घर में बहुत इजीली मिल सकते हैं, तो एक सस्ता जुगाड़ू फेस मास्क आपके लिए। और ये वीडियो, इस वीडियो में मैं आगे वॉइस ओवर करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने नेचुरल लाइट में बाहर शूट किया ताकि आप एक नेचुरल लुक देख सको। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो शायद ही आपको बताऊंगी। इसके लिए लेंगे हाफ ए टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और दही, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए तो एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट है ही, यह आपके स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाएगा और साथ ही साथ अगर टैनिंग का इशू है तो उसको भी क्योर करेगा। पूरे पैक को अच्छे से अपने फेस पे लगा लें और बच्चा कुचा जो भी है इसकी गुडनेस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देना, तो उसको अपनी हैंड्स पे अप्लाई कर लेंगे। 20 मिनट्स के बाद अपने फेस को वॉश करेंगे और पैड ड्राई करेंगे। अब मुल्तानी मिट्टी आपको आपकी स्किन पे हल्की सी ड्राइनेस दे सकती है, तो अपना फेवरेट वाला मॉइस्चराइज़र लेके अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लेंगे। लास्टली और एक और बात, मेरी तरह लिप्स पे लगा के खाना बिल्कुल भी नहीं है। लास्टली हम फिनिश करेंगे अपनी फेवरेट वाली सनस्क्रीन लगा के, क्योंकि समर्स में हम सनस्क्रीन लगाना तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। मैंने यूज़ की है एकोलॉजिका की सनस्क्रीन एंड देयर यू कैन सी द रिजल्ट्स एंड दैट परफेक्ट ग्लो ऑन द स्किन। तो ये था वो टू इंग्रेडिएंट फेस मास्क। अब कहने को ये टू इंग्रेडिएंट है, लेकिन इसके फायदे इतने ज़्यादा है ना, मतलब मेरी ऑयली स्किन है और ऑयली स्किन के लिए तो मुल्तानी मिट्टी वर्क्स लाइक मिराकल, सच में, ट्रस्ट मी। आप एक बार इसको मेरे कहने पर ट्राई करके देखना, और बॉयज़ को स्पेशली बोलूँगी आप भी ट्राई करना, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अब सिर्फ आउटर स्किन पे प्रोडक्ट्स लगाना इज़ नॉट इनफ फॉर ग्लोइंग स्किन, उसके लिए आपको अंदर से भी उतना ही हेल्दी और हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पीना पड़ेगा बहुत सारा पानी, यस बहुत सारा पानी, क्योंकि ना जितनी आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेटेड रहेगी उतना ही आपको वो बाहर से ग्लो देगी। तो पानी तो बहुत सारा पीना ही चाहिए। और पानी तो है यार, आई डोंट नो लोगों को पानी पीने में इतनी क्या मौत आती है, पानी तो है यार, पी लो ना, पी लो। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं किस तरीके से और कैसे पानी पीती हूँ, मतलब कितना पानी पीती हूँ बेसिकली। तो मेरा जब दिन शुरू होता है सुबह सुबह, मैं सुबह सुबह उठकर एक गिलास पानी पीती हूँ। और मैं ना ये वाले कॉपर वेसल्स यूज़ करती हूँ पानी पीने के लिए। मैं रात को इस जग में पानी भर के रख देती हूँ और सुबह, मतलब ओवरनाइट वो पानी इसमें रहता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं तांबे के बर्तन में पानी पीने के, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा होता ही है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपके घर में कॉपर के बर्तन हैं तो ज़रूर उनको यूज़ कीजिए, अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेंगे। और ऐसे नहीं कि जो मंदिर में लोटा रखा उसी से जाके पानी पी ले रहे हो सुबह सुबह, मम्मी इतना कूटेगी ना, तो ऐसा नहीं करना है। अब पानी पीने को बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि इतना सारा पानी पी लिया कि तुम्हारा ब्लैडर ही फटने का हो गया, बाद में उनको आके गालियाँ दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीना इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर मैं इन नंबर्स बोलूँ तो एटलीस्ट 10 glasses a डे, हाँ एक दिन में 10 glass इज़ इनफ स्टार्टिंग में। और फिर आप एक बार पीने लगोगे ना, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप नहीं पियोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार पीना चाहिए पानी। पहले मैं भी नहीं पीती थी, मैं पहले बिल्कुल पानी नहीं पीती थी, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। और अब मैं जब कई बार जैसे दिन में इधर उधर बाहर जाना होता है मैं नहीं पीती हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार बॉडी अंदर से हेल्दी नहीं है, तो फिर अब आदत होगी। तो मेरे कहने से जो लोग कम पानी पीते हैं ना, एक बार 1 week के लिए फॉलो करके देखो, फिर आपको अपने आप ही आदत पड़ जाएगी इस चीज़ का। पानी पीने का भी एक तरीका होता है, कुछ लोग बहुत गंदी तरीके से पानी पीते हैं, गड़गड़ ऐसे पानी पी जाते, तो ऐसे आपको पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता आपके स्टमक के लिए। पानी पीने का ना एक तरीका होता है कि मतलब पानी पियो, थोड़ी देर उसको मुंह में रखो और फिर उसको अंदर लो। मैं करके दिखाती हूँ, जैसे बनिए, मुझे ना हंसी आ रही है कि मैं पानी पीना सिखा रही हूँ, पर ठीक है ना, अच्छा ही तो बता रही हूँ। तो देखो, ऐसे पानी पीना चाहिए। अब ना मुझे पानी पीने से एक और बात याद आ रही है कि मतलब जब छोटे होते थे ना तो लोग बोलते थे
कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि घुटनों में दर्द हो जाता है। मतलब मेरे को इस बात का लॉजिक आज तक समझ नहीं आया कि मतलब मुंह से पानी पी रहे तो उसको घुटनों से क्या लेना देना। तो मैं बहुत क्यूरियस थी इसको जानने के लिए कि क्या ये रीज़न सही है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और देखा इसके बारे में। तो ये बात बिल्कुल सही है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, पर ये जो रीज़न है कि घुटनों में दर्द जाता है ये एकदम ही गलत और फालतू है। इसका रीज़न सही मैं बताती हूँ कि मतलब जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपने ध्यान किया होगा कि हम बहुत ही फास्टली पानी पीते हैं, बहुत तेज़ तेज़ पानी पीते हैं। तो जब हम तेज़ तेज़ पानी पीते हैं तो वो जो हमारे इसोफेगस के थ्रू स्टमक पे जाता है तो वो स्टमक पे एकदम ऐसे छपाक से स्टमक में गिरता है। कोई भी चीज़ जब छपाक से कहीं पे भी गिरेगी तो वो ऑब्वियसली उस जगह को डिस्टर्ब करेगी। तो वो जो पानी होता है वो हमारे स्टमक को में जो एसिड होता है उसको डिस्टर्ब करता है, और कई बार वहाँ की जो थिन मेम्ब्रेन होती है ना वो भी ब्रेक हो जाती है। तो उसकी वजह से बहुत सारी स्टमक डिजीजेस हो जाती है। तो ये उसका मेन रीज़न है कि हमें खड़े होकर क्यों नहीं पानी पीना चाहिए। ये नहीं है कि घुटनों में दर्द हो जाता है, इसलिए बैठ के तसल्ली से पानी पीना चाहिए। अब एक और चीज़ जो मैं अपनी स्किन के लिए करती हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के ना ये ओवरनाइट सोक्ड रेजन्स खाती हूँ। ये तो ये बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए भी और स्टमक के लिए भी, क्योंकि ना और इसका जो पानी होता है ना ये बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसको पी लेना है, क्योंकि ये ना हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करता है। यस, तो आपके अंदर से जितना भी जहर है ना वो बाहर निकल जाएगा इसको पी के। मजाक कर रही हूँ। तो यस, आप ये शुरू कर सकते हैं खाना। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू डिड प्लीज़ कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।